पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है और उन्हें निस्तनाबूद किया गया है। एमडीए की टीम सुबह ही अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर रवाना हो गई। इस दौरान एमडीए की टीमों ने मोरा मुस्तकम में अवैध निर्माण के साथ साथ काशीराम नगर स्थित रेलवे लाइन के पास बने अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया। अधिशासी अभियंता अमित काद्यान ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर भर में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, जिसके मद्देनजर अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीए उपाध्यक्ष के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध मकानों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दो जगहों पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। एक तो मोरा मुस्तकम में दो अवैध रूप से मकानों के विरुद्ध दो वर्ष 2019 में जब वो प्रारंभ हुए थे उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए वाद योजित हुए थे, उनके ध्वस्तीकरण आदेश पारित थे। उनको समय भी दिया गया कि वो अपना स्वयं निर्माण हटा लें, परंतु उनके द्वारा स्वयं इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आज प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमल में लाया गया। इसी प्रकार थाना मझोला के अंतर्गत काशीराम योजना में एक लगभग 6 बीघे में अवैध रूप से प्लॉटिंग किए जाने का कार्य किया जा रहा था, उसमें भी वर्ष 2022 में उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई थी। अंततः नियमानुसार सुनवाई उपरांत जब उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए तो उसको भी आज अमल में लाते हुए उनके अभी प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। और ये आगे भी लोगों को यही है कि वो अपना नक्शा पास कराएं और अवैध कॉलोनियों में अपना पैसा ना लगाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।